हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरके इंफोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने अभी कुछ दिनों पहले ही जियो के मॉनसून हंगामा ऑफर के बारे में तो सुना ही था, जिसमें जियो ने अनाउंस किया था कि जियो के इस मॉनसून हंगामा ऑफर के तहत आप अपना कोई भी फीचर्ड फोन और 501 रुपए जियो कंपनी को देकर एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बदले आपको मिलेगा जियो फोन 1। अब जियो के अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, जिसका हम सभी को इंतजार था। अब आप नजदीकी जियो के किसी भी स्टोर पर जाकर 501 रुपए के साथ अपना पुराना फीचर्ड फोन देकर न्यू जियो फोन 1 ले सकते हैं। पर अभी भी इससे जुड़ी बहुत सी जानकारियां ऐसी है जो आपको होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्टोर पर चले जाते हैं तो आपको फोन नहीं मिलने वाला। तो इसलिए इस ऑफर के बारे में पूरी जानकारी ले लें, और वो सभी जानकारियां मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। आज मैंने जियो के इस ऑफर के बारे में अपने एक फ्रेंड परवेज से बात की, जो दिल्ली में ही जियो के एक एक्सक्लूसिव स्टोर पर वर्किंग है। जियो के इस ऑफर से जुड़ी बहुत सी खास इन्फॉर्मेशन दी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने जियो की वेबसाइट से भी कलेक्ट की है। इस ऑफर के लिए आपको एक फीचर्ड फोन चाहिए, और वो किसी भी ब्रांड का हो, कितना भी महंगा हो और कितना भी पुराना हो, सब चलेगा। अगर आपके पास कोई 4G स्मार्टफोन है और आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन वो वोल्टी सपोर्टेड नहीं होना चाहिए। पर ऐसे लोग करेंगे ही क्यों, अगर उनके पास 4G फोन है तो वो एक्सचेंज ही क्यों करेंगे। खैर, आपके पास अगर फीचर्ड फोन है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका फोन 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपका फोन सन 2010, 2012 या 2014 का भी है तो भी वो फोन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका फोन 2015 के बाद का है तो ही आप कर सकते हैं। आपके फोन की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, बैटरी और चार्जर नया हो या पुराना हो सब चलेगा, पर वर्किंग में होना चाहिए। मोबाइल की बॉडी, पीछे का ढक्कन, स्क्रीन की फाइबर शीट, कीपैड, चार्जिंग जैक सब ठीक होना चाहिए। अगर फोन पर स्क्रैचेस हैं तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं से टूटा फूटा और जला हुआ नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन GSM होना चाहिए। वर्जिन मोबाइल, टाटा या रिलायंस का CDMA ब्रांड हो तो उसका लॉक टूटा होना चाहिए। सीधा सीधा मतलब ये कि GSM सिम चलने वाला फोन ही चाहिए, CDMA नहीं होना चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट, बॉक्स, एयरफोन ना हो तो भी चलेगा। बस आपके पास उसका चार्जर होना चाहिए और चार्जिंग जैक काम करता हुआ होना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका फोन टोटली वर्किंग में होना चाहिए। कॉलिंग ठीक होने चाहिए, SMS जाने चाहिए, क्योंकि स्टोर पर जब आप जाएंगे तो आपका फोन चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप खुद से चेक कर लें और उसके बाद ही स्टोर पर जाएं तो बेहतर होगा। अब अगर आपका फोन इन कंडीशन में आता है तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर आप जियो के स्टोर पर या जियो के रिटेलर के पास जाते हैं तो आपको एक आधार कार्ड पर एक ही फोन मिलेगा। अब बात करते हैं अमाउंट की। आपको फोन के साथ 501 रुपए देने हैं, और वो भी रिफंडेबल है, मतलब 3 साल बाद आप वो फोन वापस करते हैं तो आपको 501 रुपए वापस मिल जाएंगे, बशर्ते जियो का फोन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। आपको 501 रुपए के अलावा प्लस में 594 रुपए भी देने होंगे, जिससे आपको 6 महीने के लिए कॉल फ्री मिलेंगी, 100 SMS डेली मिलेंगे और 500 MB डेटा डेली आपको मिलेगा। उसके ऊपर से आप कोई सा भी डेटा प्लान ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने अदर नेटवर्क का नंबर भी, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सेम टाइम पर जियो में पोर्ट करवा सकते हैं। और अगर आप इसको पोर्ट नहीं करवाना चाहते तो जियो की तरफ से आपको एक नई सिम मिलेगी, और ये सारे ऑफर्स आपको उस सिम में मिलेंगे। अगर आपके मन में इस चीज को लेकर कोई सवाल है कि आपके पुराने मोबाइल के बदले में जियो का फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी जियो ने अपनी वेबसाइट पर एक फैसिलिटी दी हुई है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप ये फोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके लिए आपको जियो की वेबसाइट पर आना होगा। गूगल पे आपको टाइप करना है jio.com, ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर ये कॉलम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल का मॉडल नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आप ये फोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पर सैकड़ों मोबाइल ब्रांड्स के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको अपना नाम सर्च करना है। जैसे मैं अपने मोबाइल का नाम डाल देता हूँ नोकिया। नोकिया डालते ही राइट साइड पे एक कॉलम है, उसमें आपको उस मोबाइल फोन का मॉडल नंबर डालना है। तो मैं अपना डाल देता हूँ 3310। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल का मॉडल नंबर डालेंगे, नीचे साइन आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन का। अगर ये साइन आता है तो आप इस फोन को ले जा सकते हैं जियो के स्टोर पर, और वहां से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने नजदीकी जियो के स्टोर पर या रिटेलर के पास जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। और आप में से जितने भी लोगों ने इस ऑफर के तहत फोन एक्सचेंज कराया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।